हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहवी किचन। आज स्नेहवी किचन में बन रही है बहुत ही सुपर सॉफ्ट एंड टेस्टी मिनी इडली की रेसिपी। तो ये मिनी इडली फ्राई इडली है, चलिए इसे कैसे बनाते हैं मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले ली हूँ मैं पालक, जिसे मैं धोकर अच्छे से काट ली हूँ, रफली चॉप की हूँ मैं। उसे मिक्सी के जार में मैं डाल दे रही हूँ। ये ज़्यादा नहीं पालक है, ये पालक कम से कम 100-200 ग्राम है। और मैं इसके बाद इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च और अदरक, और ये दही है जिसे मैं अभी आधा डालूंगी, और उसके बाद फिर इसे मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो देख सकते हैं आप, मैं इसे इतना अच्छा सा पेस्ट बना ली हूँ। फिर मैं एक बाउल में ली हूँ सूजी, और सूजी मैं इसमें इसके बाद डाल दूँगी। जो हमारा पालक वाला प्यूरी था ना, उसे इसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ। साथ में मैं इसमें डालूँगी नमक। उसके बाद फिर मैं इसे अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं आप, मैं इसमें अभी पानी वानी कुछ भी नहीं डाली हूँ। और फिर जो हमारा दही था आधा बचा हुआ, उसे भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और ज़्यादा अभी पानी नहीं डालेंगे, इसे थिक ही रहने देंगे थोड़ा सा। और उसके बाद इसे मैं थोड़ा सा रख दूँगी रेस्ट के लिए, ताकि सूजी जो है हमारा वो फूल जाए। फिर मैं ली हूँ मिनी इडली की ये जो मोल्ड आती है ना ये, और इसमें मैं इसमें ऑयल ब्रश कर ले रही हूँ। उसके बाद फिर हमारा जो ये मिक्सचर है, ये देख सकते हैं आप, ये कितना अच्छा से सॉफ्ट हो गया है, फूल गया है ये। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगी पानी, क्योंकि ये भी बहुत टाइट है। तो इसमें मैं पानी डाल करके, और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी मीठा सोडा। तो ये मीठा सोडा है, आप चाहे तो यहाँ बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, इनो भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसे मिक्स कर लूँगी। मिक्स कर करके देख सकते हैं आप, इसमें मैं थोड़ा सा और भी पानी डाली हूँ, और उसके अच्छे से इसे मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखिए हमारा जो बैटर है एकदम रेडी है। इसे थोड़ा सा थिक ही रखी हूँ मैं, और उसके बाद फिर मैं इसमें पोर कर दूंगी। एक छोटी सी चम्मच से डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से होगा। अगर आपके पास पाइपिंग बैग होगा तो आप उसमें भी भर के डाल सकते हैं। और देखिए मैं इसमें सारा रेडी कर ली हूँ। फिर मैं इसे स्टीम करूंगी। तो एक कढ़ाई में मैं डाल दी थी पानी, और उसे गर्म होने के लिए रखी थी। उसके बाद मैं ये अपना मोल्ड को मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, ये मिनी इडली है, तो मुश्किल से मुझे लगता है 2 या 3 मिनट में ये स्टीम हो जाता है। बहुत ही जल्दी जल्दी भी बनता है। ये देखिए एकदम रेडी हो गया, मैं इसे आपको चेक भी करके दिखा रही हूँ। तो ये एकदम बन गया है। तो देखिए मैं इसे निकाल लेती हूँ, और इसे निकाल के मैं एक थोड़ा सा ठंडा होने के लिए दूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसे मोल्ड से बाहर कर लूँगी। तो देखिए मोल्ड से जैसे ही निकालेंगे ना, तुरंत तुरंत निकल जा रहा है। ये देखिए बहुत ही अच्छी बनी है, और एकदम फुली फुली मिनी इडली बनी है। तो ये मेरी जो मिनी इडली है, एकदम से परफेक्ट गोल तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सॉफ्ट बनी है। तो ये आप देखिए बहुत ही अच्छी भी बनी है मेरी। तो ये बन के रेडी हो गई है, अब मैं इसे फ्राई करूँगी। तो चलिए इसे फ्राई करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं ली हूँ एक कढ़ाई में ऑयल, ये 1 चम्मच इतना है, और इसमें मैं 1 चम्मच घी ऐड कर दे रही हूँ। घी आप जरूर डाल के देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है उससे टेस्ट। तो उसके बाद मैं इसमें डाली हूँ राई और हरी मिर्च, फिर कड़ी पत्ता, थोड़ा सा मैं इसमें जीरा भी डाल दे रही हूँ, और इसे अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें इसे मिक्स कर ले रही हूँ, जैसे कि ये देखिए आप, थोड़ा सा ये तड़कने लगे ना मसाला। उसके बाद इसमें मैं एक प्याज जिसे लंबे स्लाइस करके मैं डाल दी हूँ, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसे भून लेंगे, फिर इसमें डालूंगी मैं सब्जी, जैसे ये कैप्सिकम और गाजर है, और आप इसमें चाहे तो बंद गोभी भी डाल सकते हैं, और हरी और पीली और रेड वाली जो अगर शिमला मिर्च है आपके पास, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़ा सा कच्चा ही रखेंगे। और उसके बाद मैं इसमें डाल दी हूँ अपनी इडली, जो मिनी इडली है, उसे डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा मसाला भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैगी मसाला वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं डालूंगी। बहुत ही अच्छी लगती है मुझे ऐसे ही प्लेन सिंपल खाने में। तो इसके बाद मैं इसमें डाली हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी और ये धनिया पत्ता। इन दोनों को डाल करके भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और फिर मैं इसमें थोड़ा सा क्रंचेस के लिए डाल रही हूँ सफ़ेद वाला जो तिल होता है ना, वो उसे डाल करके मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ। ये देखिए ये एकदम रेडी है। इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, नमक ज़्यादा नहीं करेंगे ऐड, क्योंकि मैंने इडली में भी नमक ऐड किया था पहले बैटर में, तो उसी हिसाब से नमक ऐड करेंगे। तो ये देखिए एकदम रेडी है, झटपट से बनाइए और खाइए, और बहुत ही हेल्दी है ये। आप रोज़ बना के खा सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। आप चाहे तो इडली पहले बना लीजिए और फ्राई करके बाद में बच्चों को मॉर्निंग में इडली बना के दे सकते हैं, मतलब फ्राई करके दे सकते हैं।
तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और एक बार अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, बाय। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, बाय बाय।